हैप्पी बर्थडे मेरी जान, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज़। आज मेरे भाई का जन्मदिन है, मेरी जान का जन्मदिन है, तो हमने कुछ कश्मीरी ऑथेंटिक रेसिपीज़ बनाई, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कश्मीरी दम आलू। जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, मैंने क्या किया, वॉश करके पोटैटोज़ लिए और उनको क्या कर रही हूँ, मुझे थोड़ी सी जल्दी है तो उनको प्रेशर कुक कर रही हूँ। और सबसे ख़ास बात यह है कि पोटैटोज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपके दम आलू कैसे बनेंगे। तो गाइज़, मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि जो मेरे पोटैटोज़ हैं वो बीच में से देखिए कैसे फट गए हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं ऐसे। तो क्या कहते हैं कि मैं आपको यही कह रही थी कि पोटैटोज़ कैसे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये पोटैटोज़ देख के ना मेरा थोड़ा मूड डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा शायद कि आज की ये जो दम आलू हैं ये अच्छे नहीं बन के आएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैंने क्या किया कि ऑयल पैन में चढ़ा दिया है, सरसों का ऑयल। जो ये दम आलू हैं ये हम सरसों के ऑयल में ही बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो अब मेरा यहाँ पे ऑयल बिल्कुल गर्म हो गया। वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या है कि आपने देखा मेरे आलू जो हैं वो बीच में से ब्रेक हो गए हैं। ब्रेक नहीं हुए होते तो हमें इनको पियर्सिंग करनी थी। अब ये देख लीजिए, ये बीच में से ब्रेक हो गए हैं, तो अब अगर मैं इनकी पियर्सिंग करूँगी तो ये बिल्कुल बिखर जाएंगे, बिल्कुल टूट जाएंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सारे जो पोटैटोज़ हैं वन बाय वन मैंने गरम हॉट ऑयल में डाल दिए। अब हम इसे क्या करेंगे, लो हीट पे ही इनको डीप फ्राई करेंगे। और देख लीजिए, मैंने पलट पलट के साइड बाय साइड इनको देख लीजिए, गोल्डन गोल्डन से, ब्राउन ब्राउन से हो गए ना, देखने में कितने यम्मी लग रहे हैं ना। तो ट्रस्ट मी गाइस, ये बनके इतने अच्छे बने थे ना, तैयार हुए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। टेस्ट करा सकती तो पक्का टेस्ट कराती। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने वो पोटैटोज़ जो है फ्राई करके निकाल दिए सारे। और मैंने अब यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ऑयल चढ़ा दिया। अब मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं, जिसमें है हींग, बड़ी इलायची, ज़ीरा, ग्रीन कार्डिमम और क्लोव। अब हम इसमें ये सारे मसाले यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसमें हम सिर्फ हींग, बड़ी इलायची और दो पांच लौंग यूज़ करेंगे। कश्मीरी जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं ना, उनमें मसाले बहुत कम पड़ते हैं, सीरियसली कम पड़ते हैं। और रेसिपी बनके इतनी टेस्टी बनके तैयार होती ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें मैंने हींग डाल दिया, बड़ी इलायची डाल दी और दो चार जो क्लोव्स थे वो डाल दिए। ज़ीरा या ग्रीन कार्डिमम हमें इसमें नहीं यूज़ करनी है अभी, वो मैंने किसी और पर्पज़ के लिए निकाली है, जो आपको आगे पता चलेगा। अब देख लीजिए, जो खड़े गरम मसाले थे इनमें अच्छे से खुशबू आ गई। तो अब मैंने इस, ज़्यादा हॉट ऑयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो ये मिर्ची मैंने डाली है ना, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये जल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या थी, फ्लेम जो ऑफ़ कर दी थी। अब मैंने इसमें क्या किया, जो कश्मीरी दम आलू बनते हैं ना वो थोड़े से तीखे बनते हैं, और इसीलिए मैंने इसमें क्या किया, टू एंड हाफ़ टीस्पून इसमें चिली पाउडर डाल दिया, कश्मीरी चिली पाउडर, जिसका कलर बहुत अच्छा आता है। और साथ में मैंने एक कटोरी इसमें दही ऐड कर दी। और अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। मिक्स इसमें कॉन्टीन्यूसली करना है, क्यों, क्योंकि नहीं तो फिर हमारी जो कर्ड है वो फट जाएगी, और वो बिल्कुल पानी अलग, दही अलग और जो मिर्ची है वो अलग हो जाएगी, वैसा हमें नहीं चाहिए। अगर हमें ऑथेंटिक दम आलू की, कश्मीरी दम आलू की रेसिपी चाहिए तो देख लीजिए, अब इसमें अच्छे से बॉईल आ गया। और तब तक इसको मसाले को पकाना है, भुनना है, जब तक कि हमें दिख जाए कि ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है। तो साइड बाय साइड मैं आपको ये दम आलू भी दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये दम आलू इतने क्रिस्पी फ्राई होके निकले हैं। पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये बीच में बॉईल करने के बाद ये फट गए थे। और वन मोर थिंग गाइस, कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको सीधा किसी भी बर्तन में बॉईल करने के लिए रख दीजिए, प्रेशर कुक ना करें। मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने प्रेशर कुक किया। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो तेल है वो ऊपर सरफेस पे आ गया था, तो मैंने इसमें डेढ़ गिलास के करीब पानी डाल दिया। पानी क्यों डाल दिया, क्योंकि अब इसमें पोटैटोज़ जाएंगे
और जो जो भी ये मसाला दही मिर्ची या गरम खड़े गरम मसालों की जो खुशबू है जो टेस्ट है वो दम आलू में भी जाएंगे, तभी कश्मीरी दम आलू बनेंगे। तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, पानी ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से बॉयल आएगी तो फिर मैं इसमें पोटैटोज़ ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, अब इसमें 2 स्पून मैंने इसमें सौंफ का ऐड कर दिया। 2 स्पून सौंफ ऐड करने के बाद मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी ऐड करूँगी, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सॉल्ट के बिना तो किसी भी डिश में चाहे कितनी अच्छी हो टेस्ट तो आएगा ही नहीं। देख लीजिए यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी ऐड कर दिया। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसे देख लीजिए मैंने पोटैटोज़ यहाँ पे ऐड कर दिए और देख लीजिए इसमें गाइस बॉयल आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे स्टेज पे मैं क्या करूँगी, ड्राई जिंजर पाउडर जो है वो ऐड कर दूँगी। आई थिंक 1/4 के करीब था ये पाउडर। तो बस अब इसमें क्या है कि अच्छे से बॉयल आने दूंगी और रिड्यूस करूंगी। ग्रेवी इसमें ज़्यादा नहीं होती है, दम आलू कश्मीरी जो ऑथेंटिक दम आलू की रेसिपी, इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम ग्रेवी होती है। फिर आप पे डिपेंड करता है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। तो गाइस प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देख लीजिए फाइनल लुक, मेरे दम आलू बन के एकदम रेडी हो गए। प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने बने हैं। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज़्यादा यमी बने थे। बाय, टेक केयर।